पांच हर्फों से बना लफ्ज मेराज, किसी तरह की बहस की गुंजाइश इन हर्फों से ही नहीं होती है। मेराज में बीम है, पहले साबित होता है कि मेराज मोहम्मद को हुई। मेराज में ऐन है, दूसरा हर्फ साबित होता है कि मेराज अर्श पर हुई। तीसरा हर्फ है रे, साबित होता है कि मेराज रात में हुई। चौथा हर्फ है अलिफ, साबित होता है कि मेराज अल्लाह से हुई। और आखिरी हर्फ है इसका जीम, साबित होता है कि जिस्मानी मेराज हुई। इसमें बहस की कहां पर से गुंजाइश निकलती है? तो जिसके हुरूफ से मालूम हो रहा हो उसका, उस पर बहस करने की कहां गुंजाइश निकलती है दोस्तों? लेकिन हम इस तरह की बहसों में उलझे हुए हैं कि हम जिस्मानी मेराज है, कोई कहता है ख्वाब है, कोई कहता है रूहानी मेराज है, वगैरह वगैरह। सफाई पेश की, सफाई पेश की है जनाब उस्मान मीनाई ने, साफ करके ये शेर कहा है उन्होंने कि बदन अल्लाह ताला के हुजूर पहुंचता है, वहां मेराज अता होती है बदन को। आइए दोस्तों, बहुत कामयाब शायरी के बाद मैं फिर आपको लखनऊ के एक नुमाइंदा शायर से मुलाकात कराता हूं। एक इंतहाई खुशगवार तरन्नुम, बहुत अच्छे एहसास की शायरी, जनाब फारूक आदिल की पहचान है। फारूक आदिल आपके अपने शायर हैं और आपकी नुमाइंदगी पूरी दुनिया में के कई मुल्कों में आपकी नुमाइंदगी कर चुके हैं बड़े फख्र के साथ। मैं इस वक्त बहुत एतमाद के साथ जनाब फारूक आदिल से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लें। अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमहीद के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुलाहिज़ा फरमाएं। हाँ भाई फारूक आदिल साहब। हो कैसे बयां दिल में जो अजमत है उम्र की, हो कैसे बयां दिल में जो अजमत है उम्र की, इस दीन की नब्जों में हरारत है उम्र की। बहुत अच्छा, वाह। इस दीन की नब्जों में हरारत है उम्र की, तुम शिर्क न करना कभी बिदअत में न पड़ना, तुम शिर्क न करना कभी बिदअत में न पड़ना, ये उम्मत आका को नसीहत है उम्र की। बहुत अच्छे। ये उम्मत आका को नसीहत है उम्र की। और हजरत एक मतला एक शेर और, जिसे इश्क है नबी से वो जो आशिक़े नबी है, उससे क्या नहीं मिला है, उससे कौन सी कमी है, जिसे इश्क है नबी से वो जो आशिक़े नबी है, उससे क्या नहीं मिला है, उससे कौन सी कमी है। और खुसूसी तवज्जो इस शेर पर, उससे क्या नहीं मिला है, उससे कौन सी कमी है, न वहाबियों से मतलब न कोई बरेलवी है, जो चला है सुन्नतों पर वही उनका उम्मती है, जो चला है सुन्नतों पर वही उनका उम्मती है। चंद शेर और मुरादा फरमाए कि चराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए, चराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए, चराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए, नबी का दीन भी लाजिम है जिंदगी के लिए। क्या
कहने क्या उस तरह भी लाजिम है जिंदगी के लिए, फकीर हो के गनी खुश हो या के हो गमगीन, फकीर हो के गनी खुश हो या के हो गमगीन, हयात उनकी नमूना है हर किसी के लिए। और हजरात, जैसे जैसे मुल्क में हालात तब्दील हो रहे हैं उसके पेश नजर ये शेर, उसे एक सर को बुलंदी खुदा ने बख्शी है, उसे एक सर को बुलंदी खुदा ने बख्शी है, किसी भी जंग में जो कट गया नबी के लिए, किसी भी जंग में जो कट गया नबी के लिए। और ये भी शेर इस गुजारिश के साथ कि आप इस शेर को सुने भी और महसूस भी करें, इसीलिए तो मुसलसल दुरूद पढ़ते हैं, इसीलिए तो मुसलसल दुरूद पढ़ते हैं, इसीलिए तो मुसलसल दुरूद पढ़ते हैं, जबान जे ही के लिए, जबान जैसे मिली हो दुरूद ही के लिए। सच यही है कि हम गुलाम रसूल होने का दावा तो करते हैं लेकिन वाकई हम क्या हैं हमें अच्छी तरह मालूम है। इसके पेश नजर ये शेर के, हयात उनकी नमूना है हर किसी के लिए, हयात उनकी नमूना है हर किसी के लिए, शिकम पे बांध के पत्थर गुजारिए दो दिन, शिकम पे बांध के पत्थर गुजारिए दो दिन, कलेजा चाहिए आका की पैरवी के लिए, कले चाहिए आका के पैरवी के लिए, उम्र के दौर माफ कीजिए, इसीलिए तो मुसलसल दुरूद पढ़े जबान जैसे मिली हो दुरूद ही के लिए, चराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए, नबी का दीन भी लाजिम है जिंद
जिंदगी के लिए। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह।